राड़ी स्थित शीश महल इनके प्रेमनगर थर्ड में राजेश गुप्ता के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वक्त मौजूद हम किराड़ी विधानसभा में, जहां पर पर्यावरण दिवस के मौके पर यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर समाज सेवी राजेश लाला गुप्ता जी, सागर जी, राजवतुल्ला जी और लक्ष्मण जी, बाबू खान जी सभी ने मिलकर पर्यावरण दिवस के मौके पर यहां पर कई प्रकार के बरगद के, आम के, नीम के, पाकड़ के, यानी अन्य प्रकार के कई वृक्षारोपण किए, जहाँ पर चाचा चौधरी जलदीप जी भी मौजूद रहे। और इन लोगों ने कहा कि जहाँ पर प्रदूषण बढ़ता है, हम लोग प्रति वर्ष कहीं ना कहीं किराड़ी के किसी न किसी स्थान पर वृक्षारोपण करके कहीं ना कहीं साफ सुथरी हवा लोगों में जाए और हमारे बच्चे स्वस्थ सांस लें, इसी के तहत ये वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। पौधारोपण कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी जलदीप सिंह, सागर यादव, सुनील मोरवाल, बाबू खान, राजू अतुल्ला, लक्ष्मण सहित इलाके के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। पौधारोपण कार्यक्रम में लाला राजेश गुप्ता ने बताया कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने व पौधों का संरक्षण के लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मेरा नाम राजू अतुल्ला है। आज हम लोगों ने, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आज समाज सेवी लाला जी की प्रेरणा से हम आए हैं और हमारी एक मुहिम है कि जीवन में एक बार जरूर पेड़ लगाना चाहिए। इसी मुहिम के तहत हम सब आज इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको जीवन में कम से कम एक बार पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। उन्होंने बताया कि जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, तब तक प्राणियों की सुरक्षित रहने की बात कतई सही नहीं है। इसीलिए लोगों को पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए हरियाली लाना आवश्यक है। हर जगह जहां पॉल्यूशन ही दिन पर दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए रोकथाम का एक ही जरिया है जो कि वृक्षारोपण है। तो उसी मुहिम के तहत वृक्षारोपण जो दिवस चल रहा है ये, तो हमारे बड़े भैया श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि यहाँ पे बहुत बड़े ही समाज सेवी हैं, जो कि जिन्होंने हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप और वृक्ष लगाओ। जिस तरह से अभी मौसम सुधर रहा है इस कोरोना के तहत, उसी के जरिए हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, ताकि ये मौसम में कुछ ना कुछ तो बदलाव ला के रहे। उन्होंने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा, हम यह संकल्प ले कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उस दिन वृक्ष लगाकर उसे यादगार बना सकते हैं। वही मौजूद लोगों ने वृक्ष सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। राजेश गुप्ता ने कहा कि वह पौधारोपण ही नहीं बल्कि इन पौधों का पालन पोषण भी करेंगे।